हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे जादुई वर्ग। इस जादुई वर्ग में आपको दिखाते हैं चमत्कारी। इसमें चमत्कारी का है, इसमें करना क्या है हम लोगों को कि इसमें तीन यानी तीन तीन एक लाइन में तीन तीन खाना बना दिया गया है, यानी तीन तीन का वर्ग है ये। एक दो तीन वर्ग, एक दो तीन, यानी कुल मिला के इसमें वर्ग कितने बने हैं? तीन तीन छः नौ, नौ नौ वर्ग का एक खाना बना दिया गया है, यानी नौ वर्ग है। और इसमें इस तरह से आपको अंक लिखना है कि चाहे जिधर से हम ऐड करें, इसका योगफल कितना आना चाहिए? 33 यानी 33 आना चाहिए। चाहे इसको हम तिरछा इस तरह ऐड करें तो भी 33 आना चाहिए, इसको इस तरह ऐड करें तब भी 33 आना चाहिए, इसको सीधा सीधा जोड़ें तब भी 33 आना चाहिए, और इसको ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, यानी चाहे जिधर से हम जोड़ें इसमें योगफल 33 ही आना चाहिए। और उस मतलब और ऐसे अंक को इसमें लिखना है कि जोड़ने पर 33 आए, 33 ही आए, और उस अंक को कभी रिवीजन नहीं करना है, कभी रिपीट नहीं करना है। जो एक बार अंक इसमें जो डिजिट हम संख्या लिख देंगे, फिर वही अंक दूसरे खाना में नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप कापी पेंसिल लेकर बहुत ज्यादा काट पीट जोड़ घटाव करेंगे, बहुत देर तक परेशान रहेंगे, फिर भी इसका उत्तर नहीं ला सकते हैं। आएगा लेकिन बहुत ताल झाम करने के बाद में आएगा। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे। अब देखिए क्या करना है इसमें। एक ये इसका मेन सूत्र हैफसिक फैड। ये क्या हैफसिक फैड? अब इसी पर आधारित है इस तरह का सवाल, और देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए यहाँ 33 के निकालना है तो क्या करेंगे हम? जिस संख्या दिया गया हो कि चारों तरफ से 33 लाना है, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, तीन से डिवाइड कर लेंगे। हम तीन से डिवाइड कर लेंगे 33 को। अब 3 × 9 = 3 हो जाएगा, कट जाएगा, 3 उतार लिए, फिर 3 × 9 = 3 हो जाएगा, कट गया। यहाँ भागफल 11 आया, भागफल हमारा कितना आया? 11। तो 11 को क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 संख्या है ये, और 1 2 3 4 5, और फिर 1 2 3 4 5 यहाँ आया। तो जो डिवाइड करने पर ये जो योगफल 11 आया है, इसको हम बीचों बीच में लिख लेते हैं 11। आप इधर बढ़ते क्रम में, इधर घटते क्रम में लिख देते हैं 11 आया, 11 के बाद यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 13, यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया 15, ये बन गया। इधर इसको घटाते क्रम में लिख लो, 11 के बाद क्या आ गया 10, यहाँ क्या आ गया 9, यहाँ क्या आ गया 8, यहाँ क्या आ गया 7। अब ये इस तरह हमारा यहाँ कंप्लीट। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको भरना शुरू कर देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसी वाले अंक को इंग्लिश वाले को देख देख यहाँ भर देंगे, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भरना कैसे है, ये यहाँ क्या रहेगा, ये यहाँ रहेगा आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इंग्लिश हमारा इस तरह भर गया। अब इसी को देखते हुए इसका आप डिजिट इसमें भर देंगे। ये पे देखिए क्या लिखा, ये पे 14 अंक है, तो यहाँ हम लिख दिए 14। बी बी पे देखिए कितना है, 9, हमने यहाँ ऐड कर दिया 9। सी पे देखिए 10 है, हमने भर दिया 10। अब कुल मिला के इसको ऐड करें तो देखते हैं कितना होता है, 14 और 9, यहाँ हमारा हो गया 23, 23 और 10 33, योगफल 33 आ गया। सी तक हो गया डी, इसमें डी देखिए कहाँ पे है, डी पे देखिए आपका यहाँ 15 लिखा हुआ है, 15। ई पे देखिए, ई पे यहाँ 8 लिखा है, इसको भी जोड़ लेते हैं, 15 8 25, 25 और 8 33, यह भी कंफर्म है, सही है। एफ देखिए, एफ पे कितना है, 13। एफ के बाद जी, जी पे है 12, 12 हो गया। एच पे कितना है, 7, और फिर आई पे कितना है, 11, और ये भी यदि जोड़ा जाए तो उतना ही आएगा, 8 12 20, 20 और 13 33, ये भी कंप्लीट हो गया। 9 11 कितना हुआ, 20, 20 और 13 33, ये भी कंप्लीट हो गया, हो रहा है कंप्लीट। 11 और 8 19, 19 और 14 33, ये भी कंप्लीट हो गया। 12 और 11 कितना हो गया, 23, 23 और 10 33, ये भी कंप्लीट हो गया। यानी इसको हम चाहे जिधर से जोड़ेंगे ये हमारा 33 आ जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग 45 का बनाएंगे कि चारों तरफ से जोड़ने पर कितना है 45, ये आप करके दिखाएंगे, इसको कमेंट में लिखेंगे कि किस किस में क्या आ रहा है। आप कमेंट जरूर करें, अगर हमारा वीडियो आपके समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने उन भाई बहनों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो पढ़ रहे हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छा सवाल है, धन्यवाद।